आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप लोग इस तरह के इमेजेस पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में बना सकते हो। इसके लिए कोई ब्राउजर ओपन करके सर्च बार में लेके techleaf.com ये सर्च करने के बाद फर्स्ट वाला वेबसाइट आ जाएगा। इसे ओपन करें, नंबर फर्स्ट वाला आर्टिकल पर टैप कर दें, न्यू DP बैकग्राउंड। इस पर टैप करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड बटन मिल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड पर टैप करें, ये सारे इमेजेस को डाउनलोड कर लें। यहाँ से अब पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर टैप करके इस बैकग्राउंड को लेकर आ जाएं। इसे लेकर आने के बाद एड इमेज पर जाकर इस कलर वाले बैकग्राउंड को लेकर आ जाएं। इसे फुल स्क्रीन करके ब्लेंड वाले ऑप्शन पर आ जाएं। आप यहाँ से स्क्रीन कर दें इसे। अब इसे डन करने के बाद एड इमेज पर आकर अपने पिक्चर को लेकर आ जाएं। यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड, थोड़ा सा वेट करने के बाद बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इसे यहाँ पर सेंटर में एडजस्ट करके एड इमेज पर जाकर इस इमेज को लेकर आ जाएं। इसे लेकर आने के बाद इसे थोड़ा सा एडजस्ट करें सेंटर में। सेंटर में करने के बाद ऊपर वाले इस ऑप्शन पर टैप कर दें, मूव डाउन पर टैप कर दें, ये बैक चला जाएगा। यहाँ से अब पिक्चर इमेज को सिलेक्ट करें और इरेज वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट्स को रिमूव कर दें। एक्स्ट्रा पार्ट्स को इरेज कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से इसे डन कर लेंगे। अब एड इमेज पर जाकर इस इमेज को सिलेक्ट करके लेकर आ जाएंगे। इस इमेज को लेकर आने के बाद यहाँ पर इसे भी एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। इसे एडजस्ट करने के बाद यहाँ से डन कर दें इसे और इमेज को सेव कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।